नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। केवटी प्रखंड में लगातार बाढ़ अपना कहर बढ़ पा रही है। केवटी प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली बाढ़ पोखर बरही कोयला स्थान पद के लैला चौड़ स्थित बड़े पुल का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया। वहीं पुल के एक हिस्सा बहने से पानी अब तेज रफ्तार से पुल के आगे हिस्से को क्षतिग्रस्त कर रहा है। वहीं इस पुल के बहाने से लगभग 10 से 12 पंचायत के गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सबसे ज्यादा इन गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। चक्का, लहवार, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़ समेला, बंसारा, कमलदह, जिबड़ा और छतवन तक की हजारों की आबादी प्रभावित होगी। इसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल आने जाने वाले शॉर्टकट रास्तों का प्रतिदिन प्रयोग कर दरभंगा मधुबनी जाने वालों की परेशानी और भी बढ़ गई है। अब इन्हें 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं बरही निवासी मोहम्मद रियाज अंसारी ने कहा कि इस पुल की लंबाई भले ही ज्यादा है, लेकिन नीचे से जल निकासी का रास्ता काफी छोटा है, जिसके कारण बार बार यहाँ पुल और सड़क प्रभावित हो रही है। देखिए, बाढ़ की स्थिति जो हर साल आता है, इस साल भी उसी तरह है। बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आवागमन भी बाधित होता है। मात्र 7 साल पहले ये पुल बना था, जो आज बह गया। इस बार जो है, ये जो पुल टूटा है, 7 से 8 साल पहले बना था ये पुल, और 10 से 15 गांव के लोगों का जो इधर से आवागमन लगातार जारी रहता है, और हमेशा जो है एम्बुलेंस वगैरह इधर से भी आवागमन करती है। लेकिन अब जो इस पुल के टूटने से बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 से 15 किलोमीटर जो है घूम करके उन लोगों को दरभंगा जाना पड़ रहा है। ये पुल कल रात में टूटा है, और इसके वजह से जो है शुक्र है कि कोई दुर्घटना नहीं हुआ, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो है इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। लगभग 10 से 15 गांव है जो कि जिनका आवागमन इधर से कंटिन्यू रहता है, इस रास्ते से मेन रोड उन लोगों का हो जाता है। देखिए, ये जो मरम्मत अब पानी कम होने के बाद ही होगा, क्योंकि ये जो इंजीनियर जो भी थे या जो जिन ठेकेदारों ने बनवाया है, उन्होंने उन लोगों ने बस भ्रष्टाचारियों के लिए जो है एक भ्रष्टाचारियों का एक अड्डा हो गया है ये, क्योंकि नीचे में एक भी पिलर नहीं है, जिसके वजह से जो है ये पुल धस गया है। मोहम्मद रियाज। तो आपने देखा कि किस तरीके से केवटी प्रखंड में पुल टूट जाने की वजह से, पुल पानी में बह जाने की वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। जहां लोग पहले 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच जाते थे, वहां 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ना जाने सरकार इन सभी बातों पर कब गौर करेगी कि पुल बनता है और गिर जाता है, यही चलता आ रहा है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।